सनी देओल जो कि एक अभिनेता के साथ गुरदासपुर पंजाब से बीजेपी सांसद भी हैं, उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। सनी साल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा सनी ने यह भी बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनके इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। सनी ने हाल ही में एक शो में पॉलिटिक्स और साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर अपने विचार रखे। सनी ने संसद भवन में अपनी बहुत कम ही उपस्थिति पर विचार साझा करते हुए कहा कि मेरी उपस्थिति वास्तव में कम है और मैं ये नहीं कहता कि यह अच्छी बात है, लेकिन जब मैं राजनीति में आया तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूं और ऐसा करता रहूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं संसद में जाता हूं या नहीं, इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ता है। सनी ने आगे कहा कि इसके अलावा जब मैं संसद में जाता हूं तो मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा है और फिर कोविड था। एक अभिनेता के तौर पर आप जहां भी जाते हैं लोग आपको घेर लेते हैं। मेरे पास अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कार्यों की एक सूची है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने काम का प्रचार करते हैं। जहां तक राजनीति की बात है, यह एक ऐसा पेशा है जिसमें मैं फिट नहीं बैठता हूं। सनी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव न लड़ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके फैसले पर क्या विचार हैं इस बारे में भी बताते हुए कहा कि मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। पीएम मोदी भी जानते हैं कि सनी अपनी फिल्मों के जरिए देश की सेवा कर रहा है, इसलिए उसे ऐसा करते रहना चाहिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लहरें।